और वहीं प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में चुनावी जनसभा कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले घोषणा पत्र को लेकर कई योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें बिजली और समाजवादी पेंशन पर प्रमुख नजर रही। ये 22 नहीं 40 के लगभग साधु संतों की हत्या हुई है। अगर मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं, अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही, तो आप कल्पना करो कानूनव्यवस्था क्या है। बिजली बिजली फ्री करेंगे सरकार को लेकर, कोरोना को जो अवस्था है उसको मुद्दे को लेकर आप चुनाव में मैदान में आ रहे हैं। लगातार ये सवाल है, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, व्यापार आया कि नहीं आया, बताइए। व्यापार के नाम पर अमेरिका की झूठी फैक्ट्री ले आए अपने अटैचमेंट में। सर, नेताजी का ये संसदीय क्षेत्र है, नेताजी का ये कर्मभूमि रही है। यहाँ पर आलू, किसानों की स्थिति बड़ा खराब है, आलू फेंकने की कगार पर है। समाजवादी सरकार बनाओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।